गुड मॉर्निंग फ्रॉम टेकड़ी एंड दिस इज़ माई फर्स्ट डे इन टेकड़ी एंड दिन की शुरुआत बहुत ही अर्ली हो रही है राइट नाउ. अभी टाइम हो रहा है 6 o'clock एंड मैं जा रही हूँ टेकड़ी की फेमस जीप सफारी करने के लिए. सो इस दिन की शुरुआत ही बहुत अर्ली हो रही है एंड या टेकड़ी में आकर अगर आपको जीप सफारी करनी है सो आई थिंक दैट विल बी योर फर्स्ट थिंग टू डू हेयर. एंड अगर अर्ली मॉर्निंग करोगे तो इससे बेटर कुछ नहीं है. इसलिए अभी मैं ये वीडियो निकलने से पहले रूम में शूट कर रही हूँ बिकॉज बाहर अभी भी देखिए अंधेरा है. अभी मेरी जीप आने वाली है. मीट वाइल जब तक थोड़ा सा दिन हो जाता है आप देखिए कि क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर टेकड़ी में जीप सफारी करने की, क्या प्राइस है, मैंने किस तरह बुक करा है और कितने में बुक करा है ये आप देखिए. गाइस टेकड़ी की मेन हाईलाइट है पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जीप सफारी. तो यहाँ पर जीप सफारी तो करनी बनती ही है एंड मैं भी करने वाली हूँ आज. डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम के यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेट्स कोट हो सकते हैं आपको जीप सफारी के. ये रेट्स का जो चार्ट है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. एंड इसमें से जो पहले वाला ऑप्शन है सतराम जंगल बॉर्डर सफारी का, जो कि 3 घंटे की है, जिसका रेट है 2500, मैं वो वाला ऑप्शन चूज़ करने वाली हूँ आज अपने लिए. एंड ये गवर्नमेंट रेट्स है गाइस, तो इससे ज़्यादा अगर आपको कोई रेट कोट भी करेगा जीप सफारी का तो उनको ये चार्ज दिखा देना. ये यहाँ की यूनियन के रेट्स है एंड इससे ऊपर कोई आपको चार्ज नहीं कर सकता है. सो मैंने जहाँ से अब ये पूरी की पूरी जीप सफारी बुक करी थी तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर ये आपको स्क्रीन पर आ रहा है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव कर सकते हैं. नाउ एज यू गाइस नो दैट मैं सोलो ट्रैवल करती हूँ, तो अब यहाँ पर सुबह के टाइम शेयरिंग में मुझे कोई मिलना जीप सफारी के लिए नेक्स्ट डे इम्पॉसिबल था. तो फिर इवेंचुअली मुझे खुद के लिए ही पूरी बुक करनी पड़ी. 2500 खुद मैं अकेले ही ये जीप बुक करके जा रही हूँ. एंड वैसे इस जीप सफारी में टोटल 7 पीपल बैठ सकते हैं. 7 पीपल कैन ईजली एकोमोडेट इन दिस जीप सफारी. तो आप अगर फैमिली है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो डेफिनेटली आप भी अकेले पूरे के लिए ही बुक कीजिए. यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर अकेले के लिए पूरी बुक कर ली है. अब एंजॉय कीजिए जीप सफारी. लेट्स सी हमें क्या देखने को मिलता है, कैसा एक्सपीरियंस रहता है. लेट्स गो. नो गाइस यहाँ से अब पेरियार टाइगर रिजर्व का एरिया स्टार्ट हो चुका है, मतलब फॉरेस्ट एरिया स्टार्ट हो चुका है एंड पूरी ये ऑफ रोड है. तो जितने भी ये जीप सफारी है यहाँ की सारी ऑफ रोडिंग में ही होगी. एंड मैंने दिन का टाइम इसलिए चूज़ किया था कि कहते हैं कि दिन को थोड़े ज़्यादा एनिमल्स देखने के चांसेस होते हैं. दूर से है काफी, तो मैं आपको जूम करके ही दिखा सकती हूँ क्योंकि देखिए इतनी दूर हम यहाँ पे खड़े हैं एंड यहाँ से जाते जाते उसमें दिख गया बफेलो.
गाइस यहाँ पे ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत कम एनिमल्स दिखे थे एंड टाइगर तो भूल ही जाओ। बट अभी आप ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पे कहते हैं कि यूजली टाइगर दिख जाता है एंड मुझे यहाँ पे काफ़ी फोटेजेस भी दिखाई यहाँ के जीप ड्राइवर्स ने, तो वो कहते कि ये देखिए हमारे पास रिकॉर्डिंग है तो यहाँ पे दिख जाता है। बट आई अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट इन आवर हैंड कि हमें क्या दिखेगा क्या नहीं। अभी ये जो फुटेज दिखाएंगे वो दिखाएंगे कि किंग कोबरा भी यहाँ पे दिखता है गाइस। डिड यू हैंडल दैट किंग कोबरा, कैसे हैंडल किया? ही हैव ए आई गो फॉर देयर एट द सेम टाइम बट सडनली ही स्लीपिंग ऑन द रोड एट मॉर्निंग। ओह माय गॉड, आई एम जस्ट शॉक्ड। आई कॉल फॉर द स्नेक कैचर। यस, ही इज कम टू द स्पॉट एंड 1 hour आई एम वेटिंग फॉर हिम। माय गॉड, दैट्स वेरी डेंजरस। यस यस, वेरी डेंजरस। ही इज बीट एनीबॉडी 10 मिनट्स हो गया। यहां पे एक सर बताते मुझे हु इज आल्सो अ जीप ड्राइवर हियर कि यहाँ पे ही सो 10 केजी किंग कोबरा। आई मीन दैट इज इनसेन एंड बहुत डेंजरस है वो। तो फिर उसको फिर रेस्क्यू करा, काउंटर करा और 10 केजी किंग कोबरा, वो भी फुल ब्लैक कलर का, डार्क ब्लैक कलर का। मुझे तो वीडियो में ही देख के कुछ कुछ होने लग गया बट उन्होंने रियलिटी में उसको देखा। आपके लक पे है क्या क्या आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी सर दिखाते एक और वीडियो की, यहाँ पे टाइगर था कुछ दोपहर के 1 बजे। सो ओवरऑल मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ करना बहुत पसंद है तो मेरे को तो मज़ा ही आया यहाँ पर आकर। ये देखिए इतना डेंस फॉरेस्ट है एंड आई रियली लाइक इट। सो आप भी डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड है आपको भी। एंड 2500 की जीप सफारी है, दैट इज़ नॉट लाइक वेरी कॉस्टली ऑल्सो। सो डेफिनेटली इट्स अ मस्ट एक्सपीरियंस इन टिकड़ी। एंड गाइस डेफिनेटली ये जीप सफारी में इंक्लूडेड नहीं है कि वो आपको ग्रेप्स की वेजिटेशन भी दिखाएंगे, इट्स नॉट इंक्लूडेड। ऑल्दो मैं यूट्यूबर थी तो उन्होंने जस्ट मेरे लिए यहाँ पर ये कर दिया कि चलो मैं आपको दिखा लाता हूँ कि ग्रेप्स की वेजिटेशन यहाँ पर कैसे होती है। एंड मैं ही पहली बार देखूँगी तो लेट्स सी, देखते हैं। एंड गाइड्स रोड्स देखिए, इतने खूबसूरत व्यूज़ थे, इतने खूबसूरत ये कोकोनट ट्रीज थे। स्वागत है आपका टेकड़ी के ग्रेप्स प्लांटेशंस में। ये है मेरे पीछे प्यारे प्यारे ग्रेप्स एंड ग्रेप्स के प्लांटेशन मैं पहली बार देख रही हूँ ऑनेस्टली। एंड आई थिंक आप खा भी सकते हैं तो भी, तो बाद में मैं देखती हूँ, खाती हूँ यहाँ से। वी कैन हैव इट राइट, तोड़ के ऐसे खा सकते हैं। अच्छा, तो आई थिंक ये भी छोटे हैं, मतलब अभी और ग्रो होना है इनको, और पूरा टूट देती हूँ आपको अंदर से। ये देखिए कितने क्यूट लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं बट अभी। और इसमें ये दिस इज ब्लैक ग्रेप्स एंड ग्रीन ग्रेप्स दोनों एक ही साथ यहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। बहुत ही अच्छी चीज है देखने के लिए। सो वी नीड टू गेट डाउन, इसके अंदर आप जा सकते हो, ये फार्मसी है पूरे एंड ऊपर ऐसे ग्रेप्स लगे हुए हैं। या दिस इज ग्रेप्स प्लांटेशन टेकड़ी। जब भी आप आओगे, ये लोकल साइट सिंह में आता ही है तो आप ये ज़रूर देखना, मिस मत करना, डेफिनेटली कम हियर। नाउ इसके बाद मैं आ गई थी एलिफेंट जंक्शन विच इज़ आल्सो अ मेजर टूरिस्ट स्पॉट ऑफ टेकड़ी। यहाँ पर एलिफेंट्स राइड बहुत पॉपुलर है तो यहाँ पे आप एलिफेंट राइड कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है कि क्या प्राइसेस है यहाँ पर। हाय एलिफेंट, बहुत ही क्यूट लग रहा है। करंटली मैं अभी तेखड़ी के एलिफेंट जंक्शन में हूँ एंड ये भी एक मस्ट डू एक्टिविटी है यहाँ पे। एलिफेंट राइड आप कर सकते हो और चार्जेस मैंने आपको दिखाई दिए हैं, अलग अलग प्रोग्राम के अलग अलग चार्जेस है बट इट्स चार्ज फ्रॉम 500 के लिए। 500 में आपको इसमें हाफ एन आवर की एलिफेंट राइड मिल जाएगी। आई थिंक सही रेट है, कर सकते हो। ये आपको लेके जाएंगे पीछे, ये जो पाथवे है ना यहाँ तक पूरा ऊपर ऊपर ले जाकर आपको हाफ एन आवर की एलिफेंट राइड करवाएंगे। सो यहाँ टेकड़ी में आके आप ये भी कर सकते हैं। एंड अब मैं फाइनली आपको लेके चलती हूँ पेरियार टाइगर रिजर्व, जहाँ पे होगी बोटिंग।
बोटिंग का आई थिंक कुछ चार्जेस 300 कुछ है जितना मुझे पता लगा है, एंड 1 आवर की कुछ बोटिंग है। उसमें बोटिंग में क्या होगा कि उसमें भी लाइक हाई चांसेस होते हैं वाइल्ड एनिमल्स को कैप्चर करने के, देखने के, क्योंकि वो थोड़ा फॉरेस्ट एरिया में ही वो बोट राइड होगी। सो या दैट्स ऑल्सो द हाईलाइट ऑफ तेकड़ी। अब वहाँ चलते हैं। बाकी यहाँ के एलिफेंट्स बहुत ही क्यूट थे, तो यहाँ पर आकर एलिफेंट राइड करना भी मत भूलिएगा। तो वहाँ पे जाने से पहले, इससे पहले टाइम था कि कुछ खा लिया जाए, तो ये मेरा ब्रंच टाइम है एंड मैं यहाँ पे कुछ खाऊंगी। एंड तेकड़ी में गाइस खाने पीने के ऑप्शंस लिमिटेड है, मैं ये कहूँगी बहुत ही लिमिटेड है। स्पेशली अगेन अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको बहुत ही कम ऑप्शंस मिलेंगे। एंड यहाँ पे मैं खा रही हूँ मेथी थेपला। एंड एक और चीज़ गाइस, यहाँ का वेजिटेरियन फूड बहुत कॉस्टली है एज कम्पेयर टू नॉन वेजिटेरियन फूड, तो यहाँ पे वो आपको सस्ता मिलेगा एंड अगर आपको वेज खाना है तो वो महंगा है। सो गाइस, आफ्टर हैविंग यम डिलीशियस ब्रेकफास्ट, नाउ अब मैं आपको लेकर चलती हूँ फिरियार टाइगर रिजर्व में, जहाँ पर होगी बोटिंग। एंड ये बोटिंग कुछ देर के घंटे की होगी, एंड यहाँ पर आपको टिकट कैसे लेने हैं, कैसे वहाँ पर पहुँचना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन। सो प्रयाग टाइगर रिजर्व तक जाने के लिए आप वहाँ पे खुद के व्हीकल पे नहीं जा सकते, आपको यहाँ पे बस में जाना है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू ये रन करती है। यहाँ से आपको टिकट परचेज करनी है जो कि है एंट्री टिकट और बस की टिकट। ये लेने के बाद आपको बोट की जो टिकट्स है वो अंदर मिलेगी जब हम मतलब पहुँच जाएंगे पूरे एरिया में। तो ये 4 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बस कवर करेगी जो कि कंपल्सरी है, हमें इसी बस में ही जाना होगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड उसके बाद फिर हम बोट की टिकट परचेज कर सकते हैं। अगेन डिटेल्स आपको पूरी स्क्रीन पे आ रही है। बट बात ये है कि अभी तो काफी टाइम है 1:45 वाली बोट राइड को, अभी टाइम तो कुछ 11:30 हो रहे हैं, बट आई थिंक मुझे वेट करना ही पड़ेगा बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं है। कहते कि वहाँ पर बोटिंग पॉइंट पर काफी क्राउड हो जाता है, सो अगर आप जितना लेट वहाँ पे पहुँचोगे उतना ही आपके लिए प्रॉब्लम होगा फिर, तो आप पहले ही पहुँच जाओ। तो आई थॉट कि चलो ठीक है, चलते हैं, वेट ही कर लेंगे थोड़ा सा। एंड बोटिंग करने के बाद भी मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, तो फिर चलते हैं। गाइस हम एंटर कर चुके हैं फिर यार टाइगर रिजर्व में, यहाँ से एरिया स्टार्ट होता है। गाइस चलते हैं बोट की टिकट परचेज करने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा कैफे है खाने पीने के लिए। सो यस गाइस, दिस इज प्रयाग टाइगर रिजर्व और कितना ही खूबसूरत है। मेरे से ऐसे एडवेंचर, ऐसी एक्टिविटीज जितनी मर्जी करा लो मैं कर सकती हूँ। मुझे वाइल्ड लाइफ एरिया ऐसे एक्सप्लोर करना, ये सब कुछ मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। सो टिकट्स करते हैं परचेज और करेंगे बोट राइड। तो आपको टिकट मिल जाएगा। ओके सर, ओके। टाइम है, फोटो वगैरह खींचो आराम से। हाँ जी ठीक है। आपका टिकट सो गाइस, मुझे एक ये फॉर्म मिला यहाँ पर जो भर के देना है अपनी सारी डिटेल्स, इसमें मांगी है कि आप कहाँ से आए हो और किस तरह एड्रेस वगैरह भर के सबमिट करेंगे तब जाके टिकट मिलेगी। टिकट हमारी और 255 रुपीज़ की टिकट है। कुछ ऐसा व्यू है जहाँ पे हम बोटिंग करने वाले हैं। इवन यू कैन स्टे हियर, यहाँ पे बैम्बू ग्रुप करके एक इको-फ्रेंडली बैम्बू कॉटेज है। एंड प्राइस भी मेंशन है कि क्या टैरिफ है, 4800 पर कॉटेज विद पैकेज। नाउ द थिंग इज कि बोट को अभी बहुत टाइम है, 1 घंटे से ऊपर टाइम है अभी, और वेट करना पड़ेगा यहाँ बैठ कर। मैं तो अपनी एक वीडियो लाइव कर देती हूँ जब तक मीन वाइल वेट करती हूँ, और जब बोट आएगी फिर करेंगे बोट राइड। यहाँ पे जो कॉटेजेस है ये बहुत ही सुंदर है जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ। सो अगर आप सब लाइक आपके पास टाइम है, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहीं पर रह के जाओ। इनके जो कॉटेजेस है आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली पूरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा वो भी। तो क्या अच्छा, यहाँ से आप बायनोकुलर्स भी ले सकते हो रेंट पे। मीन वाइल जब तक बोट आती है, आप देखिए कि यहाँ पर कौन कौन से मैमल्स, बर्ड्स और एनिमल्स, ये सब कुछ है जो इस टाइगर रिजर्व में है और हम देख भी सकते हैं अगर दिख गए वो हमें तो।
सो कुछ इसी क्राउड के बारे में मुझे बताया जा रहा था कि बहुत क्राउड हो जाता है लास्ट में आकर। गाइस फाइनली आफ्टर वेटिंग फॉर वन आवर हम जा रहे हैं बोटिंग करने। ओके सो गाइस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बोट्स है, तो आपकी टिकट के ऊपर ही यहाँ पे बोट नेम लिखा होगा। जैसे मेरी बोट का नाम है जला ज्योति और इस पर सीट नंबर भी मेंशन है कि मेरा सीट नंबर है 1। नंबर 1 भी तेकड़ी की साइट सीइंग में सबसे ज़्यादा टाइम यहीं पे गया है क्योंकि 1-2 घंटा तो वेट करना पड़ गया और अभी 1-2 घंटे की ये भी लगा लो कि पूरी टाइट होएगी, शाम हो जाएगी फिर। एंड फिर बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है, वी नीड टू परचेज बनाना चिप्स स्पाइसी सब कुछ दिखाऊंगी आपको। तेकड़ी का टाउन इज रियली ब्यूटीफुल और अगर तेकड़ी आ रहे हो तो स्पाइसीज और बनाना चिप्स खरीदे बिना आप नहीं जा सकते। ये जो बोट राइड थी बहुत ही खूबसूरत थी, अगेन बिल्कुल नेचर को एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है करीब से, तो डेफिनेटली रिकमेंडेड है। अब इसके बाद मैं आ गई थी मेन टाउन में वापस एंड सेम बस ही हमें ड्रॉप करती है जहाँ से पिकअप किया था एंड यहाँ पे हम करेंगे थोड़ी बहुत शॉपिंग। तो फर्स्टली टेकड़ी की चॉकलेट्स काफ़ी फेमस हैं एंड यहाँ पे चॉकलेट फैक्ट्री है तो वहाँ से आप चॉकलेट्स लेना मत भूलना। एंड ये चॉकलेट फैक्ट्री आपको मैप पे मिल जाएगी, सीधा आप यहाँ पे आना एंड परचेस करना बहुत सारे डिलीशियस चॉकलेट्स। तो गाइस चॉकलेट शॉपिंग इज डन बट आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रही है कि जहाँ से मैं आ रही हूँ कि खतखली सेंटर है तेकड़ी का। जैसे कि मैंने आपको कोची में खतखली सेंटर दिखाया था, वहाँ पे तो खतखली मैंने मतलब अटेंड भी किया था, वो डांस देखा था केरला का कल्चरल डांस, बट सिंस मैं वहाँ पे देख चुकी हूँ तो यहाँ पे मैं स्किप कर रही हूँ। बट आप अगर आओगे यहाँ पे तो डेफिनेटली इसको भी कंसिडर कर सकते हो। शो की टाइमिंग्स है 5-7, 200 रुपीज़ की टिकट है। तो कोची वाली टिकट थोड़ी महंगी थी, दैट वॉज फॉर 500 रुपीज़ एक्सपेंसिव लगी थी कोची में फॉर कथकली डांस, बट यहाँ पर टिकट प्राइस इज जस्ट 200 रुपीज़ विच इज़ आई थिंक अमेजिंग। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अटेंड करना। अब मैं तो ऑलरेडी देख चुकी हूँ तो अभी देखा है मैंने 2 दिन पहले, इसलिए मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, बट आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये मैंने प्रोवाइड कर दी। अब करते हैं बनाना चिप्स की शॉपिंग। किसका बनता है ये, क्या है ये? कोकोनट ऑयल, काजू एंड सम डिफरेंट मिक्सिंग। और क्या प्राइस है? या दिस इज 120 रुपीस। हम ट्राइंग हलवा है यार, ये कहते हलवा है ये। काजू और किसका बना ये? काजू एंड 2-3 फ्लेवर, व्हीट एंड मैदा और मिक्सिंग दैट। यम्मी है, बहुत यम्मी है। कितने का है? 1 kg, 360 मिल जाते हैं बट ऑथेंटिक तो यार केरला के ही है। सो बात ये है कि यहाँ पे गाइस बनाना चिप्स की बहुत सारी शॉप्स है एंड हर किसी के अपने अलग अलग रेट है। कोई आपको 120 के यहाँ पे हाफ के जी देगा, कोई यहाँ पे वही सेम चीज़ आपको 250 की देगा, बट डिफरेंस आता है क्वालिटी में। तो डेफिनेटली आप पहले यहाँ पे टेस्ट कीजिए चीज़ों को एंड तभी परचेज करना, डिफरेंट डिफरेंट शॉप से ट्राई करके अच्छी क्वालिटी यहाँ से आप लेकर जाए। सो इवन आई डिड लॉट ऑफ शॉपिंग फ्रॉम तेकड़ी। गाइस इट वॉज अ लॉन्ग टायरिंग डे, बहुत थक गई हूँ मैं अभी, जस्ट अपने होटल वापस आई हूँ, रूम में सामान रखा है सारा, बहुत शॉपिंग कर ली लेकिन बहुत मज़ा आया। इट वॉज रियली फन एक्सप्लोरिंग टेकड़ी, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने बट उसके कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छा ये ट्रिप रहा टेकड़ी में भी, एक दिन मेरा जो था। एंड ऑनेस्टली आपको भी सिर्फ एक ही दिन चाहिए टेकड़ी एक्सप्लोर करने के लिए, बट डिपेंड करता है कि आप दिन की शुरुआत कब कर रहे हो। मैंने दिन की शुरुआत बहुत अर्ली की थी, सुबह के 6 बजे के आसपास, तो डेफिनेटली आपको एक दिन पहले टेकड़ी में आना पड़ेगा। तो लेके चलो कि 2 दिन आपको यहाँ पे अपना स्टे बुक करना टेकड़ी में एंड पूरा एक दिन अर्ली मॉर्निंग से अगर आप शाम तक टेकड़ी को दोगे तो आराम से आप एक्सप्लोर कर लोगे सब कुछ। बाय द वे रियली होप सो कि आपको भी मज़ा आया हो वर्चुअली ये नई जगह देखकर, ये टेकड़ी देखकर। काफ़ी कम लोगों ने सुना हुआ था जहाँ तक मेरे को लगता है, सो आई होप सो कि आपने वीडियो एंजॉय करी हो। बाकी मेरा क्या प्लान है अभी,
मेरा ये प्लान है कि कल मैं निकलूंगी यहाँ से, एक सेकेंड, हाँ मेरा ये प्लान है कि कल मैं यहाँ से निकलूंगी एलेपे के लिए। सो आप देखेंगे अब न्यू प्लेस, न्यू जर्नी, न्यू टूरिस्ट प्लेसेस। बाकी फिर मैं इस वीडियो करती हूँ यहीं पे ख़त्म, रेस्ट करती हूँ अभी एंड फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।